हर हर महादेव दोस्तों, यूँ तो हम फूड ब्लॉगिंग करते नहीं हैं, लेकिन अभी फिलहाल बनारस में हैं और बनारस यानी कि खान पान में सबसे आगे। यहाँ पे खाने पीने की वैरायटी इतने ज़्यादा मिलते हैं भैया, आप आओगे यहाँ पे आपका दिल खुश हो जाएगा। आप जहाँ जाओगे आपको एक नया वैरायटी देखने को मिलेगा। तो चलिए, अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी में किसी को कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद होता है, किसी को क्या बोलते हैं उसको जो ठंडे वाला वैरायटी होता है वो पीते हैं। लेकिन भैया बनारस में, बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ पे भाई सत्तू का लस्सी मिलता है भाई। इमेजिन करो आप लोग, मतलब लस्सी नाम सुनते ही पहला ख्याल आता है दही का लस्सी, है ना, दही मतलब लस्सी। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ बनारस में, बनारस का फेमस सत्तू वाला लस्सी। तो देखिए इधर, अभी फ़िलहाल मैं हूँ वाराणसी के कचहरी से थोड़ा आगे आएंगे तो पुलिस लाइन चौराहा पड़ता है, वहीं पर भैया लगाते हैं बलिया की झन्नाटेदार मज़ेदार व स्वादिष्ट लस्सी, सतुई की लस्सी। तो देखिए यही इनका स्टॉल है और यहाँ पे देखेंगे तो एक लाइन से पूरा सत्तू का स्टॉल पूरा देखने को मिलेगा। आप इधर देखिए चाहे इस तरफ देखिए, यहाँ पे पूरा स्टॉल देखने को मिलेगा। तो चलिए हम भैया थोड़ा वार्तालाप करते हैं सत्तू के बारे में, क्या विशेषता है बनारस के सत्तू का। भैया अपना सबसे पहले परिचय दीजिएगा अपना पहले। हमारा बोर्ड ऑफिस है पुलिस लाइन। भैया था शर्मा रहे तजोर से बोलिएगा भैया। बोर्ड ऑफिस पुलिस लाइन के बगल में है, सत्तू का दुकान लगाए हैं बागी बलिया। बागी बलिया देख रहे हैं, बागी बलिया। तो भैया ये बागी बलिया नाम का क्या मतलब है? मतलब होता है खतरनाक आदमी, है ना। बागी बलिया भृगु क्षेत्र है। हाँ, बागी बलिया भृगु क्षेत्र, अच्छा इसलिए उनका नाम बागू बलिया रख दिए पूरा, है ना। बागू बलिया नहीं है, बागी बलिया। हाँ वही बागी बलिया बोल रहा हूँ मैं। तो ये बताइए कि वहाँ की लस्सी फेमस है? फेमस है। अच्छा, शुद्ध चने की बनती है। शुद्ध चने की बनती है ना। और ये आप खुद बनाते हैं, क्या करते बताइए जरा? खुद बनाते हैं। प्रोसेसिंग क्या है आपका? खुद घर पर बनाते हैं, भुजवाते हैं, पिसवाते हैं, इसको छिलकर चक्की चलाते हैं। चक्की खुद से बनाते हैं ना। बाकी देखिए भैया का ये है पूरा, इसमें क्या रखे भैया? इसमें पानी है। इस वाले में? इसमें भी पानी है, इसमें। अच्छा, सत्तू है। तो देखिए भैया घड़े का पानी से बनता है और घड़ा यानी कि पूरा नेचुरल, यानी कि आप कभी कुछ भी बीमार नहीं पड़ता है इंसान जब घड़े जो घड़े का पानी पीता है। और यही देख सकते हैं पूरा नेचुरल प्रोसेसिंग है इनका। बाकी यहाँ दिखाइए थोड़ा सा, पास लेकर आइए कैमरा। अब देखिए यहाँ पे कुछ इन्होंने बना रखा है थोड़ा बहुत, है ना। बाकी ये बताइए आपका लस्सी जो है, मैंने इससे पहले भी कई बार पिया है, मैंने जाता हूँ इधर से, तो क्या मतलब ऐसा क्या डालते हैं जो लोग आ जाता है यहाँ पे? शुद्ध चने के सत्तू की लस्सी है ना। अच्छा सही। हाँ। तो बनाइए थोड़ा, इसका प्रोसेसिंग दिखाइए एक बार मुझे। तो भैया ये बताइए पहले, एक गिलास जो सत्तू बनाते हैं उसमें कितना डालते हैं सत्तू? एक कंचूर डालते हैं। एक में हो जाता है पूरा? तो पानी जैसे नहीं बन जाएगा वो? पानी जैसा नहीं बनेगा, गाढ़ा बनेगा। गाढ़ा बनेगा। देखिए अब पानी जा रहा है इसमें। अब भैया थोड़ा सा मटके में हिलोर मार रहे हैं एकदम, देखिए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा इसमें मसाला जो होता है वो क्या, वो भी खुद बनाते हैं घर पे? हाँ, घर पे बनाते हैं। तो देखिए बन के तैयार हो चुके हैं, अभी इसमें जाएगा प्याज। और ये क्या भैया? पुदीना। हाय हाय पुदीना। पुदीने का चटनी। नींबू? अच्छा ये नींबू डाल के पूरा? नींबू डाले। अच्छा उसके बाद देखिए हरी मिर्ची आधी भी डाले, अदरक। और ये क्या भैया? जीरा। हाय हाय जीरा पाउडर, ये जल जीरा है। जल जीरा, क्या बात है। और क्या डालेंगे इसमें? अब इसमें अब सत्तू डालेंगे। देखिए अब सत्तू डालेंगे भैया, एकदम मस्त मट्ठेदार एकदम मोटे वाला। ये गया गिलास में भरा, क्या बात है, क्या बात है। ऊपर से फिर से प्याज, फिर से नींबू का रस, फिर से पुदीना का पुदीना, फिर से जीरा पाउडर और ये जलजीरा, क्या बात है। ये हमारा रेसिपी जो है देसी वाला वो बनके तैयार हो चुका है बस चंद मिनटों में। और देखिए इसका कलर दिखाइए एक बार, इसमें जो इंग्रेडिएंट जो मिला है उसके वजह से ये लजीज लग रहा है देखने में और काफ़ी यम भी होगा। तो थोड़ा टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं आपको। भाई कतई जहर है यार, यकीन मानो आप बनारस हो और एक बार लस्सी का, सॉरी सत्तू का जो लस्सी है वो एक बार ट्राई करो। यकीन सर कह रहा हूँ मैं, आप कोल्ड ड्रिंक जितने भी होते हैं ये सब यहाँ के आप अमूल लस्सी को भी भूल जाएंगे इसकी टेस्ट को देख के। बाकी इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं कि क्या कितना फ़ायदेमंद होता है हमारे सेहत के लिए ये।
तो चलिए अभी हमारा लस्सी का जो गिलास है वो ख़त्म हुआ भी नहीं है और यहाँ पे कई सारे ग्राहक जो भैया के वो आ गए, तो भैया अपना नाम बताइए और बताइए क्या करने आप आए। राजनारायण पटेल, मैं नगर निगम की गाड़ी चलाता हूँ। देखिए नगर निगम वाले हैं भैया, ठीक है, बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। तो आप पीने के लिए आए लस्सी? हाँ। कब से पी रहे भैया की लस्सी? हम तो बहुत दिन से पी रहे हैं। बहुत दिन से पी रहे हैं, मतलब यहीं पे आके यहीं पीते हैं, गाड़ी लगाते हैं। गाड़ी ऑन है आपका? पेट्रोल जा, डीजल जा रहा है? नहीं, वो तो जीपीएस लगा हुआ है ना। अच्छा, जीपीएस लगा हुआ, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, तो कैसा लगता है भैया की लस्सी आपको? एक नंबर, एक नंबर होता है। अच्छा ये बताए, कुछ इसका फायदा बता सकते हैं आप लस्सी का? ये गर्मी के लिए तो बहुत फायदेमंद, गर्मी के लिए फायदेमंद होता है, और गैस, गैस उसके लिए भी है, गैस के लिए और फायदेमंद होता है वो गैस के लिए। और कुछ? आइए, धूप से ही भी थोड़ा राहत मिलता है। ये बहुत बड़ी पॉइंट है कि हाँ, ठंडे का एहसास रहेगा, पूरा बदन आपका ठंडा ठंडा रहेगा और गैस से निजात पा सकते हैं। और इसका होता है सुबह सुबह आप खाली पेट खाएं तो आपका पेट भी अच्छा साफ रहता है, बहुत है ना, फायदेमंद रहता है, इससे ज़्यादा फायदेमंद होता है ये। तो चलिए, घर पे भी लेकर रखे हैं रखते। अच्छा, घर पे ही पीते हैं? हाँ। दिन में लस्सी पीते हैं आप सत्तू का ही? नहीं, घर पे सुबह पीते हैं। अच्छा, सुबह पीते हैं, कर देते हैं यहाँ पे पी लेते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए भैया, आप जब भी बनारस, हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं, जब भी बनारस आओ ये लस्सी जरूर ट्राई करो। यूँ तो बनारस में बहुत कुछ है, आप हर कुछ ट्राई कर सकते हो, लेकिन लस्सी मस्ट है ट्राई करना, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, क्योंकि महादेव की नगरी में है। और हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।